दूसरा कपड़े पर कैंची चला सकता है, परिणामों पर कैंची दूसरा नहीं चलाएगा, स्वयं ही चलाएगा। क्षमा कर दिया आपने? पक्का क्षमा कर दिया? देख मित्र, कब किसका तीजा तेरा हो जाता है पता नहीं चलता है। जो तेरे साथ रहती थी वो भी चली गई। अब मित्र तू सोच ज्ञानी, कौन साथ देगा? धम्मम शरणम पब बच्चा में। ओ अजित के तीजा जी थे, सुबह प्रवचन सुन रहे थे, कोई हमसे बोल रहा था कि शाम को माला फेर रहे थे, इधर आहार चर्या करा के पता नहीं कहाँ घूमने चले गए, समय जीवन निकल गया, कोई भरोसा नहीं है। पर नीति कहती है, आज मैं कह रहा हूँ इतने दिन में, नीति कहती है निर्गंध सागर जी मुनिराज तो दूर हैं। नीति वाक्य ग्रंथ में लिखा है, कभी अकेले घूमना नहीं चाहिए, दो के साथ रहना चाहिए। यदि भैया के साथ सामने दो होते तो तुरंत कोई सामने हॉस्पिटल था अंदर ले जाते, रक्त बहता रहा, लोग देखते रहे, पहचानने की कोशिश कर रहे थे। पर हमारा प्रदीप तो कितनी बार गया, पुलिस ने बुलाया, बोले मेरे यहाँ कोई है नहीं है, वो पुलिस को लग रहा था कोई जैनी है, वो बार बार यही बोल रही थी, बोले भाई आपके यहाँ से कोई है, कोई यात्री आया होगा। समय देखो। तब मुझे उसी क्षण आचार्य सोमदेव सूरी की नीति याद आ गई, देखो कितना सत्य लिखा है, स्पष्ट लिखा, चाहे बाल हो, वृद्ध हो, युवा हो, चाहे साधु हो, चाहे सामान्य हो, कभी अकेले नहीं घूमना चाहिए, दो के साथ जाना चाहिए। कभी नहीं घूमना। मैंने नवीन आज तक कभी अकेला नहीं घूमा। आहार को भी जाऊं ना तो आप लोग साथ रहते हैं, वापस आए तो आप साथ रहते हो, यहां तक सोच को भी जाऊं तो आप साथ रहते हो, ऊपर से नीचे भी आऊं ना तो ब्रह्मचारी हमारे महाराज लोग नहीं छोड़ते। मालूम कभी अकेले नहीं घूमते। गुरु जी ने मुझे विहार कराया ना तो एकल विहार नहीं कराया, साधु साथ में दिए। इसलिए जीवन में बाहर में लोगों को लेके चलना और भीतर में समता को लेके चलना। भाई तू पत्रकार है, ये पंडित है, दोनों खतरनाक होते हैं, क्षमा करना है। बैठ जा बुरा, अरे मेरी बातें किसी को बुरी नहीं लगती, और लग भी जाएंगे तो करेंगे क्या, जो है सो है। उसी का तो निषेध कर रहे हैं। यात्रा में ही तो अकेले नहीं जाना, और जो भी यात्रा करें मार्ग में अपरिचित आदमी कुछ भी खिलाना चाहे मित्र खाने की चेष्टा मत करना। आज सब लोग नियम ले लो नियम, जितने युवा यहाँ बैठे सभा में, कल मालूम एक भैया शाम को प्रश्न करो, बोले महाराज जी एक समझ में नहीं आता है, आपकी सभा में वृद्धों के साथ युवाओं की संख्या क्यों ज्यादा रहती है। मित्र तुमको मालूम होना चाहिए महावीर का सिद्धांत ये, ओ चक्रवर्ती भरत के सपने, पंचम काल आएगा तो युवा ही दिखाई देंगे, इसलिए आज जहां देखो मुनि संघों में युवा, समाज में युवा, ये युवा ही तो लेके चलेंगे। पर मेरे युवाओं तुम एक नियम ले लो, किसी भी क्षेत्र में चाहे ट्रेन में जाओ, विमान में जाओ, बस में जाओ, कोई अपरिचित आदमी अमृत भी क्यों ना खिलाना चाहे, तुम बेटा उसको बोले रखो भी बाद में ले लूं, रखवा लेना, खाना मत। और वृद्धों का सम्मान करना मत छोड़ना, जिस नगर में, जिस समाज में, जिस सभा में वृद्ध न हो, उस नगर की शोभा नहीं, उस समाज की शोभा नहीं, उस सभा की शोभा नहीं। वृद्धों को लेके चलना। जिस युवा को भैया अपने पत्रिका में आज तुम्हारे पेपर में यही हेडिंग होना चाहिए, बोले क्या, जिस युवा को अपनी वृद्धि चाहिए है, तो वृद्धों के रोज साथ में पैर छुए।
जिस युवा को अपनी वृद्धि चाहिए, जिस युवा को अपनी वृद्धि चाहिए उसको वृद्धों की संगति करनी चाहिए। भैया कौन बिठा रहा आपको, उसका नाम बता। अविनाश अपने पेपर में लिख लेना, जिस युवा को वृद्धि चाहिए है वो वृद्धों को साथ लेके चले। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, थक गया होगा वृद्ध आदमी, बैठ जाओ बैठ जाओ। सब मुस्कुराने, ये 16 ये आए ना जितने गिरार के, ये आपके सागर के बंडा किला टड़ा केसली वाले सब मुस्कुरा रहे हैं। बोले क्या विदिशा हमारा पड़ोसी आदमी है ना, ज्ञानी समझो। भगवान महावीर स्वामी ने कहा अहिंसा को अहिंसा में पालन करो। अब तो समझ में आ रहा ना, अहिंसा को अहिंसा से पालन करो। अब सुनिए कैसे। श्रावक धर्म और श्रवण धर्म दो प्रकार के धर्मों की व्याख्या जो की गई है, इसका उद्देश्य क्या है। महात्मा निर्गुण सागर जी झांझरी जी कहाँ है, ज्ञानी झांझरी जी ये तुम्हारा बेटा मुनिराज बन गया, इसने अच्छा किया कि बुरा किया है? सही में, सही में देख लो पापड़ीवाल जी, वो तुम्हारा रिश्तेदार झांझरी इंदौर का, उन्होंने अपने एक बच्चे को मुनिराज बना दिया। मित्र आपको दुख नहीं लगता कि ज्येष्ठ पुत्र था तुम्हारा, ज्येष्ठ पुत्र वो महाराज बन गया? आपको ऐसा नहीं लगे मेरे घर कौन चलाएगा? ज्ञानी देखो उनका चेहरा, मुस्कुराहट टपकी जा रही है, टपकी जा रही। बोले क्यों? बोले गुरु जी मेरे घर में समाचार जब मिलते हैं तो लोग जय जिन जाके करते कि तुम्हारा बेटा महाराज बन गया है, परंतु उन पड़ोसियों को भी देखता हूं जिन घर में रोज फोन आते हैं तुम्हारा घर बेटा मद्रालय में खड़ा हुआ है। संतान जिनालय में खड़ी हो, निर्गंत मुनि बन के खड़ी हो, उस माता पिता की जो प्रसन्नता होती है उसको मेरे मित्र या तो स्वयं जानता है या भगवान के केवल ज्ञान में लगता है। और जिसकी संतान कुसंस्कार में पलती है उसकी पीड़ा बुझ जाने या प्रभु के ज्ञान में झलके। जीते जी मरे, जीते जी वे माता पिता मृतक का जीवन जीते हैं जिनकी संतान खोटे काम करती है। इसलिए ज्ञानियों संतानों को जन्म देना सीखा है, थोड़े संस्कार देना भी सीख लेना। संतानों को जन्म देना सीखा, माताओं सुन रही कि नहीं, बेटा बेटियों को जन्म देना सीखा है तो संस्कार देना भी सीख लेना। बस इतने संस्कार देना, इतने संस्कार दे देना कि वे दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास रखते रहे। माताओं नौ बार नमो करमन पढ़ लो, इस बात की प्रतिज्ञा है तुम्हारी, अपने संतान को ऐसे संस्कार देंगे कि मुनिराज का पड़घान करती रहे संतान। आप लोग नहीं कर पाओगे तो नौ बार नमो कर पढ़ लो। जितने युवा आए यहां पर देश के विभिन्न कोनों से जितने युवा आए हैं बेटा सब नमो कर पढ़ो। इस बात की प्रतिज्ञा कर रहे तुम कि हम अपने संतान को ऐसा बनाएंगे जैसे मेरे माता पिता ने मुझे बना के रखा है, गुरुओं के चरणों में बिठाल दिया है। बस महेंद्र भैया चूड़ी वाला, बाकलीवाल जी अब तुम निश्चिंत होकर ऊपर जाना, कोई टेंशन करके मत जाना, हमने आपकी व्यवस्था बना दी है। अब मत सोचना मेरे बाद क्या होगा, इनको सबको मैंने कारोसर करा दिए हैं। और क्या कराए मालूम, या सुन लिया ना आपने, ये अपनी संतान को ऐसे संस्कार देंगे जो आपने अपनी संतान को दिए हैं। बहुत बढ़िया विराजो, भगवान का धर्म अहिंसा। पर दो धर्म की व्याख्या क्यों की गई है, मैं अभी भी ये मंच पे ही बैठ के सोच लिया मैंने, ये दो धर्म क्यों बोले भगवान ने। इसलिए बोले हैं यदि दो धर्म की व्याख्या नहीं करती ना तो धर्म क्रूर हो जाता। निसंग सागर मित्र थोड़ा ये सोच के भी प्रवचन करो
आगम टूटने नहीं चाहिए, आगम ही बोलना है, पर निर्णय तुम्हारा गहरा होना चाहिए। देखो प्रमोद भैया, पंडित जी प्रमोद जी देवेंद्र, मित्र भगवान ने दो धर्मों की जो व्याख्या की है क्यों की? यदि दो धर्म की व्याख्या नहीं करते तो जैन धर्म क्रूर हो जाता। बोले कैसे क्रूर होता? ऐसे क्रूर हो जाता, ऐसे क्रूर हो जाता कि निर्मल गोंदिया सोच रहा है मुझे धर्म करना है, लेकिन स्वामी मैं मुनि नहीं बन सकता, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा? बोले तेरा कभी नहीं होगा, तू तो पापी है, तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। बेचारा इतना सुनते ही नीचे गिर के मर जाएगा, तू मर के गिर जाएगा। तो भगवान ने क्या कहा? वत्स, तेरा भी कल्याण हो सकता है। आ कितने मधुर, बस तेरा भी कल्याण हो जाएगा। बोले कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग तो जिन लिंग धारण करो मुनिराज बनो। स्वामी मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है, अब मुनि नहीं बन सकता। वो बन भी गया तो आप तो कभी छत्तीसगढ़ में होते हो तो कभी मध्य प्रदेश में होते हो, कभी मध्य प्रदेश हो कभी महाराष्ट्र में होते हो, कभी कर्नाटक में होते हो तो कभी राजस्थान में होते हो, कभी बिहार में तो कभी झारखंड में होते हो, कभी यूपी में कभी एमपी में होते हो। बोले गुरु जी मैं आपके सामने कैसे चल पाऊंगा? तो मैं तो भाई करुणा करता हूँ, मैं वृद्धों से पहले ही बोल देता हूँ, भैया अभी जहाँ सम वयस्क तुम्हें मिलें, जहाँ लोग कम चलते हों वहाँ तुम दीक्षा ले लेना, और मेरे साथ आप जब खिसलोगे ना तो मुझे दुख होगा। मेरी शत्रुता नहीं कोई वृद्ध को दीक्षा नहीं देने का, मेरा त्याग भी नहीं है, मैं इसलिए नहीं देता हूँ ज़्यादा दीक्षा वृद्धों को कि भाई तुम मेरे साथ चलोगे कैसे। ये भी निर्मल भी करुणा है कि चलोगे कैसे, मैं आगे निकल गया और आप अकेले जंगल में रह गए, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कई वृद्ध गुरुजी के पास भेजे और संगों में भेज दिए। बोले इसलिए भेजे मैंने कि भाई बेचारे चलेंगे कैसे। हाँ ये स्वयं कहें कि निर्मल भैया मैं तो दौड़ूंगा, तो बैठ सब आ जाओ। अब प्रश्न है कि निर्मल गोंदिया कहते गुरु जी असमर्थ हूं, मैं चल नहीं सकता हूं इतना। मित्र फिर कहते आप ऐसा करो एक ठेले की व्यवस्था करा देना, मित्र आज ही मुनिराज बनाओ, वो आज ही तुम ठेले पे बिठाओ, ये मुनि धर्म नहीं है। कोई अचानक कोई घटना घट गई वो विषय अलग है, लेकिन जान करके खंडित प्रतिमा को तो प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। और कहीं प्रतिष्ठित होने के बाद कहीं अंगुली टूट गई तो फिर मित्र फिर उनको तुम शांति से रखो, अंग उपांग नष्ट हुआ है, अंग नष्ट नहीं हुआ, पर जान करके अंगुली टूटी प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ऐसे जान करके तो ऐसा नहीं किया जा सकता। बहुवृद्ध वो अत्यंत वह छोटी श्री मूलाचार्य जी में निषेध है, कच्ची उम्र अल्प वय और अत्यंत वृद्ध को दीक्षा नहीं देना चाहिए, कहीं एक दो वर्ष के बच्चों की दीक्षा नहीं होती आगम में। आगम को भी देखोगे ना तो 8 वर्ष से कम उम्र वाले की दीक्षा तो हो ही नहीं सकते, 8 वर्ष से कम बच्चे की तो दीक्षा हो ही नहीं सकती। ऐसा जैन श्रवण परंपरा में आगम कहता है। इसलिए ज्ञानियों जिससे संस्कृति का उपहास खेल तमाशा ना हो, खेल तमाशा ना हो, खेल खेल में दीक्षा हो सकती है पर फिर दीक्षा में खेल नहीं होता। स्वामी ब्रह्म गुलाल की कथा सुनो अचरजकारी, हंसी खेल में सांग रचायो जिनमत की दीक्षा धारी। मालूम है कहाँ के थे? वो चूड़ी वाले के गांव के थे। ब्रह्मला गुलाल मुनिराज फिरोजाबाद के थे, फिरोजाबाद के थे। हंसी खेल में स्वांग रचा लिया, जिनमत की दीक्षा धारण कर लिए। अब फिर कहा लोगों ने अब चलो घर, बोले बस बनवे ट्रापक है ये, दुनिया के भेष बदले जा सकते हैं पर जिन भेष को धारण करके बदला नहीं जाता, इसे अपने भावों को बदला जाता है। विराजो ज्ञानी तो बोले दीक्षा लेना गुरुजी। अब जब दीक्षा लेना है
और कोई जीव मुर्दाज नहीं बन सकता। तब भगवान ने कहा, देह सर्वतोड़ महति, देह सर्वतोड़ महति, कहाँ का सूत्र है मित्र? निर्गंध सागर जी। इतवासुदी उमा स्वामी भगवंत लिखते हैं आचार्य परमेष्ठी कि देश सर्वतोण महति। व्रत दो प्रकार का है, देश व्रत और महाव्रत। महाव्रत महाव्रत, देश व्रत अणुव्रत। आप मुनिराज नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं है, आप ऐसा कर लो श्रावक के व्रतों का पालन करना, श्रावक के व्रतों का पालन करना। मतलब एक देश मोक्ष मार्गी भी बना दिया, उसके परिणाम भी खराब नहीं किए। क्या अहिंसा है वो। इसलिए विश्वास मानिए, मैं जैन कुल में जन्मा हूं इसलिए मैं जैन धर्म मानता हूं, ये आप भूल जाइए। विश्वास मानो, मैं जैन कुल में जन्मा, कट्टर जैन कुल में जन्मा हूं इसलिए मैं जैन धर्म मानता, ऐसा नहीं है। मैं जैन धर्म की सत्यता को पूर्ण जान चुका हूं इसलिए मैं जैन धर्म मानता हूं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई दर्शन धर्म नहीं है, इतनी सत्य बात को कहने की क्षमता रखता हूं। नहीं है, लोगों ने लपेटना शुरू किया, लपेटना, और जिनने लपेटा सो भी लिपटे रह गए। मैं वस्त्रों में लपटे महावीर को नहीं पूछता हूं, मैं खुले आकाश में दिगंबर रहने वाले महावीर को पूछता हूं। इसलिए कोई प्रयास भी न करे, कन्नू भैया सबसे कहते हैं, कोई प्रयास भी न करे कि विश्व सार के मुख से कोई लपटी लपटी बातें कहलवा लो। कभी सपने मत सोचने ना, सपने मत सोचने ना। भैया अविनाश, आप मैं आपको 2003 की एक सत्य बात बताऊं। 2003 में मेरे जीवन का पहला गांव ऐसा है जिसमें 9 महीना तक नियम सार की भाषणा हुई हो, उसका नाम है विदिशा। भगवान समंतवद स्वामी की तपोभूमि विदिशा, शीतलनाथ स्वामी की भूमि विदिशा, जहाँ पर ज्ञानियों लगातार कुछ ब्यार होकर रहा बीच में, लेकिन अनुभरत पुरुषार्थ देशना तत्वार्थ देशना, प्रेक्षा देशना, नियम देशना, ये सारे देशनाएं कहीं निकली हैं, तो उसका नाम विदिशा।